कन्वेंशन हॉल में बुला के कन्वेंशन हॉल में 1200 रुपए को कन्वेंशन हॉल फ्री लेके उनको प्रवचन दे रहे हो, जो ऑलरेडी प्रवचन के लायक नहीं है, जो कमीने हैं, जो करप्ट हैं, जिन्होंने पैसा बना लिया है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर, हाई डिजीज, हाई फला ढिमका एज ए रिजल्ट, उनको बुला के प्रवचन दे रहे हो आप, यार क्या फायदा है? सर आप ये सब लिखने लगो प्लीज, नॉट फॉर यू बट फॉर द मैनकाइंड एज अ होल। मैं तो क्या कह रहा हूं कि वो कुछ था कि वो कहता है रोज एक सच बोलकर दुश्मन कमाने चाहिए, क्या रोज एक सच बोलकर दुश्मन कमाने चाहिए। अगर आपके अंदर गट्स है दुश्मन कमाने के तो ही आप शुद्ध आत्मा है, आप सबके हाँ करते रहो क्या फायदा है, इधर हो गए हाँ करते रहो, हाँ मत करो, सत्य बोलने का हिम्मत रहो। हाँ ठीक है मैं देख लेता। तो बोला कि साहब मैं तो बच्चा था जब यहाँ आया था, 12-13 साल का था, मैं यहाँ आया था ये बाबा के आश्रम में। तो मैंने बोला आपको अभी कितने पैसे मिलते हैं? तो 5 साल पहले तो 2700 रुपये मिलते थे 7 घंटे 1 महीने के। और कितने देर काम करना पड़ता है? बोला 16 घंटे। और खाना देते हैं वो तो वहाँ खाना बनता है सबके लिए, भक्तों के लिए, उसमें इनको भी बाद में देते हैं खाना। तो मैंने मन में सोचा कि दयानंद को ये दिखता नहीं है कि ये आदमी के साथ अन्याय हो रहा है, उसका तुमने बालपन बिगाड़ दिया, उसकी टांगें मुड़ गई, वो पानी भर भर के वो दे रहा है, बाबा को ये दिखता नहीं है जो उसके साथ न्याय करे, जो उसके उसके आश्रम में काम कर रहे हैं। सही बात है, they are being exploited। इसको मोक्ष मिला है कि नहीं? सबसे पहले कहते हैं ये जो बाबा बन गया, इसका भगवान से मिलन हो गया, उसको तो ये आत्मा भी भगवान है, और ये जो करोड़पति वो भी भगवान है, सब भगवान है, वो तो किसी के लिए खड़ा ही नहीं होगा, उसको तो किसी के लिए खड़ा होने की जरूरत नहीं है। जब तक आप खड़े हो रहे हो और बैठ रहे हो आपको कुछ नहीं मिला, फालतू बात है। मोदी जी आए, सर्वोच्च प्रधानमंत्री आए, बाबाओं के ध्यान पानी ला गया, अरे भिखारी बात है, कुछ आत्मा कुछ मिला नहीं उसको, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना इसकी कोई भी। आप मैं आपको बताता हूँ, मैं इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, शेख सलीम चिश्ती के वहां अकबर गया 27 साल का, 27 किलोमीटर पैदल चल के गया फतेहपुर सीकरी, और वहां पे वो जो शेख सलीम था वो एक खड्डा खोद के रहता था अंदर, नीचे जमीन के नीचे रहता था, तो उसका आशीर्वाद लेने गया था। तो उसने आदमियों को कहा, उसने अकबर ने कि उसको बाहर निकालो, उसका आशीर्वाद लेना है। तो उसने कहा, शेख सलीम ने कहा कि मुझे बादशाह से कोई काम नहीं है, बादशाह को काम है, मैं क्यों बाहर आऊं भाई, उसको आना तो है नीचे आवे अंदर तो है। तो अकबर को तो उसने बताया उसके सिपाहियों ने कि अगर आप ऊपर नहीं आए तो बादशाह आपका सर कटवा सकता है। बोला कोई बात नहीं, कटेगा तो कटेगा, पर मेरे को कोई काम नहीं है, मैं तो अपनी ये कुटिया में रहता हूँ। फिर अकबर नीचे उतरा, उसको पगड़ी भी उतारनी पड़ी क्योंकि तो पगड़ी के साथ नीचे घुस नहीं सकता था। तो शेख सलीम चिश्ती इतना दबंग था, उसने उसके सिर पे हाथ मारा अकबर के, उसको कहा कि मांगने की तरह मांग, तू तो ऑर्डर देता है, मांगने की तरह मांग। वो फिर उसने कहा कि मैं कुछ नहीं दे सकता तुझे, मैं तेरे लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा, तू भी मेरे साथ प्रार्थना कर, मैं कहूंगा कि मेरे जो पुण्य कर्म किए हैं उसकी वजह से मैं होता नहीं, अगर मैं अगर कोई किसी से प्रभावित हो गया कोई, मैंने कहा इसके अच्छे दिन गए, बाबा सब ले लेगा, ये खत्म हो गया। और कोई औरत अगर बाबा के चक्कर में आ गई तो पूरी बर्बाद है, आदमी भी आ जाता है तो उसकी बेही भी चली जाती है। And that is the end of the world for that woman.
तो बाबा तो ऐसे ढूंढ रहे होते हैं ऐसे लोगों को, पकड़ते हैं वो लोग। मैंने नहीं बताया था उसको, वो आया था जो गीता, मैंने बोला कि जो सीरियल किलर्स हैं अमेरिका में और जो हमारे बाबा हैं उनमें एक ही समानता है, सबका आईक्यू 130 से ऊपर है। सीरियल किलर जो मारते हैं एक के बाद एक, वो इतने शातिर होते हैं कि आपके साथ मिलेंगे बिल्कुल इनोसेंट लगेंगे, एकदम नॉर्मल आदमी लगेंगे, वो आपको जाल में ले लेंगे, फिर ले जाके आपका गर्दन काट देंगे, मार देंगे। इसी तरह बाबा लोग इनोसेंट लगते हैं, हार्मलेस लगते हैं, आपको क्लच में ले लेते हैं क्योंकि उनकी आई क्यू बहुत अच्छी है, 130 है, आपकी नॉर्मली 100 होगी, मेरी मेरी 90 भी हो सकती है। तो वो क्या है कि क्लच में ले लेंगे आप, फिर आपको बर्बाद करेंगे, पूरा कर देंगे, दोनों का आई क्यू सेम रहता है। मैंने उसके सामने बोला ही था कि मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप सीरियल किलर हैं, लेकिन आपके अंदर पूरी क्षमता है बनने की, क्योंकि आपका आईक्यू सेम है। अब दूसरी बात बताता हूँ फाइनल, उसके बाद प्रोफेसर अंत। जब आप किसी बाबा के पास जाते हो या प्रवचन में जाते हो, एक घंटा डेढ़ घंटा बैठते हो, आपको सब समझ में आ जाता है कि यार क्या कला, ये मुझे पता ही नहीं था, कितनी बढ़िया बात बताई उसने, गीता में से, रामायण में से सब अच्छी अच्छी बात बताई, आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको लगता है कि मेरे पास जो 10 लाख का कर्ज है वो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसने लिखा है कि सबका उनका फल है, वो आपको सब हो जाता है। तो ये ऐसा है कि जैसे आपको पेन है कहीं पे, पर आपको एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दे दिया, तो पेन तो है पर फॉर द टाइम बीइंग चला गया पेन, लेकिन वो लौट के आएगा एनेस्थीसिया का जाएगा। तो जैसे आप बाहर निकलोगे तो जैसे जैसे टाइम गैप बढ़ता जाएगा, 15 मिनट तक रहेगा वो, फिर आधे घंटे के बाद भाई कहाँ से पेड़ो 10 लाख रुपया तारू प्रवचन सुनवा गयो, हमारा भैया कहाँ, समझे। जैसे जैसे दूर होता जाएगा उसका दर्द लौटता जाएगा। तो बाबा कुछ नहीं करते फालतू की बात है, ये आपको एनेस्थीसिया दे देते हैं, बाकी आपकी कोई समस्या का हल ये नहीं कर सकते। सर स्वामी जी ने मिलने गया तो कहने लगे कि हमारा एक भक्त है, उसके ऊपर इनकम टैक्स का छापा पड़ा। हाँ मुझे तो उन्होंने बताया इनकम टैक्स ऑफिसर ने कि आपका 3,500 करोड़ का बिजनेस है, और वो क्या कहते हैं हम सर्वे करके लाए हैं, और आपका इतना टैक्स बाकी है। तो हमारे भक्त ने कहा कि आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है, मेरा 35,000 से 40,000 करोड़ का बिजनेस है। सर हम तो उसे नाम सुन रखे हैं। तो वो ये बताना चाह रहे थे कि उनका भक्त इतना बढ़िया ईमानदार है कि उसने बताया कि 35-40 हज़ार करोड़। तो मैंने स्वामी जी को कहा, मैंने बोला स्वामी जी जब सर्वे होता है तो 2-2 महीने चलता है, एक एक कागज वो लोग इकट्ठा करते हैं, 3,500 करोड़ और 35,000 करोड़ में बहुत फर्क है, वो कभी भी 35 इतनी गलती नहीं करते इनकम टैक्स वाले कि वो 3,500 करोड़ वाले को उसका बिजनेस को इतना कर लें। खैर वो बात भी जाने दो। फिर कहने लगे उन्होंने सब छापे मार डाले, उसके घर में ढूंढ लिया कर लिया, लेकिन एक अलमारी की चाबी वो नहीं दे रहा हमारा भक्त इनकम टैक्स ऑफिसर। तो बोला नहीं देनी तो पड़ेगी आपको। तो बोले इसमें ऐसी क्या चीज़ है कि जो तुम नहीं दे रहे। तो बाद में चाबी ली, उन्होंने खोला तो उसमें मेरी तस्वीर रखी हुई। मैंने बोला ये पतन में चला गया, पूरा पतन हो गया इसका, पूरा पतन हो गया। अपने ऊपर इतना घमंड कि मेरी तस्वीर रखी हुई थी वहां, इतना घमंड। मुझे ये नहीं पता कि उसको कितना पता है। मैं ऐसा मानता हूँ मैं सबके सामने बोल रहा हूँ कि एक भी बाबा ऐसा नहीं है हिंदुस्तान में, एक भी जिसपे मैं ट्रस्ट कर सकूं, एक भी। वो आए एक प्रोग्राम में, आए थे क्या नाम है वो अवधेशानंद जी, अवधेशानंद जी के लेक्चर तो सुनते होंगे कभी कभी। अरे वो गंजे है बहुत अच्छा। तो फादर ने मुझे गले लगा लिया था, जॉन कप्पा आज भी मेरे दोस्त है, आपको मिलवाऊंगा मैं, आते हैं यहाँ पे, ये भी इसके प्रिंसिपल थे 8 साल। उछलता कई होगा, किस्सा एक आध सामने आता है, समझ लो आप। सोच तो सब में आती है, सब लोगों के अंदर सोच सब में आती है। अच्छा मुझे बताओ आप, मैं आपको अब तो बड़े हो गए सब लोग, मतलब मैं एडल्ट एज के इसलिए कहता हूँ
प्लेबॉय एक मैगजीन आती है अभी पहले भी आती, सबसे पहले एडल्ट मैगजीन थी, उसका एडवर्टीजमेंट आता था दूसरी मैगजीन्स में, वो एडवर्टीजमेंट का कटिंग भी मेरे पास है कि हैव यू सीन ए स्मार्ट यंग मैन हु इज हेल्दी हु इज हैविंग मनी एंड हु डज नॉट लाइक नेकेड फीमेल फॉर्म, हु डज नॉट लाइक नेकेड फीमेल फॉर्म, इफ ही सेज इफ एनी यंग मेल सेज ही डजंट लाइक इट ही इज लाइंग, ही इज हिपोक्रेट, ही इज लाइंग। तो वो ये आता था, अभी क्या होता है ब्रह्मचर्य जैसी कोई चीज नहीं है दुनिया में, नहीं है सर। हम अगर ब्रह्मचर्य झूठ है, सबसे बड़ा झूठ दुनिया का ब्रह्मचर्य है। जब आपका वीर्य बढ़ जाएगा तब आपका स्खलन होगा, स्खलन कब होगा जब उत्तेजित होंगे, उत्तेजित हो ब्रह्मचर्य नष्ट हो गया था, रात को एक दिन को सपने में हो, ब्रह्मचर्य है नहीं, ये झूठ बोलते सर। कौन सा ब्रह्मचर्य, ये सब दुनिया को बनाने की बातें हैं, गलामी इस पे से किताब लिखो। मेरा डोमेन जिसमें अच्छा, अरे क्या कॉन्शियस माइंड में ये पड़ी है, नेचर चीज है ना सर। वो कहता है कि वो महबूबा कहती है कि आपने सबको बता दिया कि आप उससे प्यार करते हो, हमारे प्यार का किस्सा सब जगह ओपन कर दिया। तो कहता है कि जब तक की कोशिशें बजा, लेकिन मैंने छुपाने की बहुत कोशिश की, बजा मीन्स जरूर, जब तक मीन्स छुपाने की, जब तक की कोशिशें बजा, लेकिन क्या छुपे शौक है बेपनाह का राज, मैंने इतनी बेपनाह मोहब्बत की है ये राज छुपता ही नहीं। जब तक की कोशिशें बजा, लेकिन क्या छुपे शौक है बेपनाह का राज, हर किसी को सुनाई देती है, हर किसी को सुनाई देती है, मेरी आवाज में देती है।